दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है और पीएम मोदी भी रैली कर चुके हैं, गृह मंत्री भी रैली कर चुके हैं, राहुल गांधी भी दमखम भर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमारा घोषणा पत्र गारंटी कार्ड है। लेकिन कल राहुल गांधी का एक बयान आता है जो चर्चा का विषय है। हमारे साथ बात करने के लिए संजय सराफ जी है। राहुल गांधी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पे कि आप खुद को देशभक्त कहते हैं लेकिन आप देश में नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, क्या? अब राहुल गांधी जी की जो माइंड सेट है वो पहले से ही बना हुआ है। फॉर द सेक ऑफ द अपोजिशन वो कुछ भी कह सकता है, दैट हैज नो मीनिंग। उसकी बात कोई सीरियस भी नहीं लेता, अगर सीरियस ले लेते तो सीधे तौर पर ये आरोप शाहीन बाग के मुद्दे को लेकर। शाहीन बाग का मुद्दा किसने क्रिएट किया? ये तो कांग्रेस और आपके गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। अगर लोगों ने वोट डाला आपको, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्यों झूठ बोल रहा है गवर्नमेंट को? आप हटाओ, हम क्यों हटाएंगे भाई? यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर होगा, यहाँ एलजी साहब है, आज यहाँ पर जो कुछ भी होगा यहाँ एलजी साहब देखेंगे ना। यहाँ दिल्ली से कोई होम मिनिस्टर थोड़ी आएगा उसको देखने के लिए। ये क्रिएटेड पुलिस आपके अधीन है, गृह मंत्रालय ये सब चीजें पुलिस नहीं उठाती, ये सब चीजें पुलिस का काम नहीं है। लोगों के बीच में जाना और लोगों को उठाना और हंगामा करना ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम जो है वो पुलिस बेखूबी करती है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। ये सब काम पुलिस का नहीं है। पुलिस का जो काम है दे आर डूइंग दैट वर्क। ये काम है इलेक्टेड मेंबर्स का, ये काम है इलेक्टेड एमएलए जो वहां का अमानतुल्लाह है उसको, जिसने वहां बिठाया है, ये काम है उन्होंने उकसाया है। आप भी जर्नलिस्ट है, आप बताएं सीए में क्या है? सीए में कुछ भी नहीं है। किसी के एनआरसी पर भी बात हो रही है, कल सदन में कहा गया एनआरसी पर तो चर्चा ही नहीं हुई, तो एनआरसी का डर। मैं कह रहा हूँ मैडम, एनआरसी का डर किसको है? कोई एनआरसी की बात ही नहीं है। एनआरसी बिल टेबल पर नहीं हुई, एनआरसी बिल नहीं आई। हम भी एनडीए पार्टनर से, अगर एनआरसी पर बात होगी, चर्चा होती, डिलिब्रेशन होगी तब बात करेंगे। ये मुसलमान को धोखा दे रहे हैं, मुसलमान को गलत बोल रहे हैं। मुसलमान के लिए अगर आज इस देश में अभी तक किसने काम किया वो रामविलास पासवान ने किया। उसने मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की बात बिहार में बात की, उसने मुस्लिम के नाम पर रिजाइन कर दिया, उसने प्रॉफिट साहब के नाम पर छुट्टी का दिन दे दिया। और ये लोग सब कांग्रेस और आप वाले झूठ बोलते हैं। हम आज इनको आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं, अगर ये दिल्ली में कहते हैं राष्ट्र मुद्दा, अगर ये दिल्ली में, मेरी बात सो, अगर ये दिल्ली में मुसलमान को, भाइयों को कहते हैं एक जगह आ जाओ, अच्छी बात है। ये बताए कि मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे क्या? मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? हिम्मत है इनमें? लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई चेहरा ही नहीं है भाजपा के पास। कब तक प्रधानमंत्री के सर पर चुनाव लड़ेंगे? कब तक गृह मंत्री के सर पर चुनाव लड़ेंगे? गृह मंत्री कह रहे हैं कि ईवीएम को बटन इतनी जोर से दबाइए कि करंट शाहीन बाग में लगे। राष्ट्र मुद्दा शाहीन बाग बन चुका है, लेकिन जमीनी सत्तर के जो मुद्दे है वो क्यों नहीं भाजपा के? राष्ट्र मुद्दा मैडम तभी बनता है जब वहां पर बैठ के ये बोला जाएगा जिन्ना वाली आजादी। इस देश में प्यार मोहब्बत है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में सब लोगों ने इस देश को बनाने में मजबूती से काम किया। अब केजरीवाल जैसा छछूरा बंदा बीच में बीइंग ए चीफ मिनिस्टर नोटंकी करेगा तो ये नोटंकी नहीं चलेगी। ही इज गोइंग टू लूज दिस इलेक्शन, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। 11 तारीख को मेरे से फोन पर बात करे, बैडली ही इज गोइंग टू लूज दिस इलेक्शन। तो सारे केंद्रीय मंत्री ने दमखम भरा है और केंद्रीय मंत्री वहां पर जा रहे हैं। केजरीवाल कह रहे कि मेरे पीछे पूरी कैबिनेट सी लगा दी गई है। अब वो कहीं ना कहीं कह रहे कि विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। वो विक्टिम कार्ड की बात नहीं, वो अपनी वेटेज बढ़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री बाद में है, पहले वो पार्टी के कार्यकर्ता है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर हूँ, कंज्यूमर्स का वो ये सब, पहले मैं कार्यकर्ता हूँ। कल मेरे को मॉर्निंग में हमारा सीमापुरी में कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर आ रहा है, वो आ रहा है, पासवान साहब जा रहा है, चिराग जा रहा है, हम सब जा रहे हैं। मेरे को भी फोन आया, मैं भी मॉर्निंग में जाऊंगा कंपेनिंग में। ये 3-4 दिन हम लोग कंपेनिंग करें तो इसमें केंद्र मंत्री तमाम, की क्या तमाम, बात है? तमाम राज्य भाजपा के हाथ से निकले हैं, लेकिन आपको लगता है दिल्ली राजधानी वहां पर कांग्रेस की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की रही, अब लगता है कि एनडीए या फिर भाजपा के खाते में वोट आएंगे? इस बार हम एनडीए की सरकार वहाँ लड़ रहे हैं, मेरा भी कैंडिडेट है एलजेपी का और एनडीए वहाँ गवर्नमेंट बना रही है। चलिए, साफ तौर पर संजय सराफ जी हमारे साथ है, लेकिन इनको काफी विश्वास है कि भाजपा की सरकार बनेगी या फिर मैं कहूँ एनडीए की सरकार बनेगी, इनकी भी भागीदारी है एनडीए में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से सियासी दौर वहाँ पर चल रहा है, जिस तरह से सियासी गलियारे में हलचल हो रही है, आखिरकार जीत किसकी होगी? क्योंकि एनडीए ने तमाम केंद्रीय मंत्रियों का दमखम दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जो हूँ जमीनी स्तर के मुद्दे लेकर आया हूँ, कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रही है। अब देखना होगा जनता की पहली पसंद कौन बनेंगे, क्या वो नरेंद्र मोदी के तमाम वो कार्यकर्ता वो नेता बनेंगे, अरविंद केजरीवाल बनेंगे या राहुल गांधी की विचारधारा बनेगी। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी, आप सिर्फ दलित, नमस्कार।